दोस्तों किसी भी कंपनी का लोगो उसकी पहचान होती है, लेकिन लोगो कंपनी की पहचान बनती है। क्या आप उस लोगो में छिपे रहस्य के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, सभी कंपनियों के लोगो की अपनी एक अलग ही कहानी और एक अलग मतलब होता है। ये सिर्फ कंपनी की पहचान नहीं बल्कि कंपनी के उद्देश्य और कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशन को भी दर्शाता है। अब एप्पल के कटे हुए सेब वाले लोगो को ही देख लीजिए। आखिर आधे खाए हुए सेब को इतनी बड़ी कंपनी का लोगो क्यों बनाया गया? यूनिलीवर के लोगो में 24 सिंबल्स क्यों हैं? और अमेज़न का ये साधारण सा कर्व्ड एरो वाला लोगो कैसे पूरी अमेज़न कंपनी को डिफाइन करता है? साधारण से दिखने वाले इन लोगो का राज इतना गहरा है कि इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में कुछ मशहूर कंपनियों के लोगो और उसके पीछे के रहस्य के बारे में जानते हैं। नंबर 1, SBI। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगो को बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी इस लोगो का एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते। बैंक के इस लोगो में जो ब्लू पार्ट है वो इस बैंक की विशालता को दर्शाता है, वहीं व्हाइट पार्ट आम आदमी को दर्शाता है। इस लोगो से SBI ये बताना चाहता है कि इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद वो आम आदमी के बिना अधूरा है। इसके अलावा इस लोगो का एक और मतलब ये है कि इसका व्हाइट पार्ट एक की होल है जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल है। नंबर 2, एयरटेल। एयरटेल के लोगो को देखकर ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी ने बस यूं ही एक डिजाइन तैयार करके उसे अपना लोगो बना दिया, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, कॉर्पोरेट की दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। एयरटेल के लोगो का ये डिजाइन ए को दर्शाता है, लेकिन ये नॉर्मल ए से बिल्कुल अलग है। कंपनी के अनुसार ये एक ओपन ए है जो कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। वहीं लोगो का रेड कलर पैशन, एनर्जी और गतिशीलता का प्रतीक है। नंबर 3, पेप्सी। पेप्सी के इस लोगो का मतलब जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस सिंपल सी लोगो को बनाने में पेप्सी ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए। खैर ये लोगो भले ही काफी साधारण हो, लेकिन इसका अपना एक मतलब है। इस लोगो में मौजूद रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर अमेरिकन फ्लैग के कलर को दर्शाता है। एक्चुअल में पेप्सी का ये लोगो उसकी अमेरिकी पहचान है। साथ ही कंपनी का ये लोगो लाफिंग इमोजी को भी दर्शाता है, यानी पेप्सी अपने कस्टमर्स को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। नंबर 4, टोयोटा। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी में से एक टोयोटा का लोगो इतना माइंड ब्लोइंग है कि इसे बनाने वाले डिजाइनर की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस लोगो में आपको सिंपल सा 3 एलिप्स दिख रहा है, लेकिन इस सिंपल से 3 एलिप्स में ही कंपनी का पूरा नाम छिपा हुआ है। टोयोटो के सारे लेटर्स इस लोगो में मौजूद है, है ना अमेजिंग। ये तो हुआ इस लोगो में मौजूद कंपनी का नाम, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इसमें तीनों ही एलिप्स टोयोटो प्रोडक्ट्स और इसके कस्टमर्स के हार्ट के यूनिफिकेशन को दर्शाता है। वहीं इस लोगो का बैकग्राउंड टोयोटा के टेक्निकल एडवांसमेंट और आगे की बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है। नंबर 5, यूनिलीवर। यूनिलीवर का लोगो है यू, जो कि कंपनी के नाम के पहले लेटर को दर्शाता है, लेकिन इस यू को इतने यूनिक तरीके से बनाया गया है कि इस एक लेटर में ही कंपनी के ऑलमोस्ट सारे सब ब्रांड्स को जगह दी गई है। यूनिलीवर अलग अलग ब्रांड के नाम के साथ दर्जनों प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के इस लोगो को 24 सिंबल्स से मिलकर बनाया गया है। ये सभी 24 सिंबल्स सब ब्रांड्स को दर्शाते हैं। वैसलीन के लिए लिप्स, सर्फ एक्सेल, रिन और व्हील के लिए क्लॉथ, डव और सनसिल्क के लिए हेयर, लैक्मे और ट्रेसमे के लिए सन और लाइफ बॉय के लिए हैंड का सिंबल दिया गया है। ऐसे ही सभी 24 सिंबल्स यूनिलीवर के लिए अलग अलग से ब्रांड्स को दर्शाते हैं। नंबर 6, नाइकी। नाइकी दुनिया में इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अब वो किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब उसे भी अपनी पहचान बनाने के लिए एक लोगो की जरूरत थी। तो इस कंपनी ने 1971 में $35 खर्च करके कैरोलिन डेविडसन नाम की एक स्टूडेंट से अपना ये लोगो बनवाया। नाइकी के इस लोगो का नाम स्वोश है और इसे दुनिया का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड लोगो माना जाता है। नाइकी का ये लोगो मोशन और स्पीड को दर्शाता है। नंबर 7, ऑडी। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी के 4 रिंग वाले इस लोगो को देखकर ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि इसे बस यूं ही बना दिया गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तो ऑडी के इस 4 रिंग वाले लोगो का मतलब क्या है? वेल, इस लोगो का मतलब जानने के लिए हमें कंपनी के इतिहास में झांकना होगा। अभी हम जो ऑडी कंपनी देख रहे हैं वो 4 अलग अलग कार कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। 1932 में ऑडी, DKW, हॉर्च और वेंडरर नाम की ये चारों कंपनी एक ही हो गई थी और ऑडी इन सभी का हेड बन गया। ऑडी के लोगो का ये 4 रिंग इन्हीं 4 कंपनियों को दर्शाता है। नंबर 8, सैमसंग। बाकी कंपनियों की तरह सैमसंग के लोगो में कोई हिडन मीनिंग छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसके नाम का
हिडन मीनिंग जरूर है। सैमसंग दो कोरियन वर्ड सैम और संग से मिलकर बना है। कोरियन लैंग्वेज में सैम का मतलब थ्री और संग का मतलब स्टार होता है। साउथ कोरिया में थ्री नंबर को बहुत पावरफुल माना जाता है। कंपनी के फाउंडर ली बुयांग चुल अपनी कंपनी को नंबर थ्री की तरह पावरफुल और स्टार की तरह विशाल और एवर लास्टिंग बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सैमसंग नाम चुना। नंबर नाइन एडिडास। इस कंपनी के लोगो थ्री स्ट्रिप्स से मिलकर बने हुए हैं। दिखने में तो ये काफी सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में इस लोगो से एक मैसेज देने की कोशिश की गई। एडिडास का ये लोगो माउंटेन्स यानी पहाड़ को दर्शाता है। पहाड़ पर चढ़ाई करना कितना चैलेंजिंग भरा होता है ये तो हम जानते ही हैं। एथलीट्स भी कुछ इसी तरह के चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो इस लोगो से एडिडास एथलीट्स को सभी तरह के चैलेंजेस को पार करते हुए अपने गोल को हासिल करने के लिए बोलता है। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस एडिडास के जूते पहनकर चैलेंजेस को रोंदते हुए अपने गोल को हासिल करना है। नंबर 10 अमेज़न। अमेज़न के इस लोगो को देखकर मैं खुद सोचा करता था कि यार इतनी बड़ी कंपनी का लोगो इतना सिंपल क्यों, लेकिन जब मुझे इस लोगो का मतलब पता चला तो भाई अब मुझे इसके डिजाइनर को सैल्यूट करने का दिल करता है। अमेज़न के नाम के नीचे जो कर्व्ड एरो बना हुआ है ये ए से शुरू होकर जेड पर खत्म होता है, मतलब अमेज़न पर ए टू जेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कितने क्रिएटिव तरीके से बताने की कोशिश की गई कि आप अमेज़न पर दुनिया भर की सारी चीजें खरीद सकते हैं। एंड एक और बात जो ये कर्व्ड एरो है, ये स्माइल करते हुए चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप अमेज़न पर शॉपिंग करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नंबर 11 एप्पल का लोगो नॉलेज को दर्शाता है, लेकिन ये सब कटा हुआ क्यों है? बहुत दिनों तक तो ये एक मिस्ट्री ही रही और लोग अपनी ओर से अलग अलग कहानियां बनाकर कटे हुए सेब की वजह बताते रहे, लेकिन फिर एप्पल का लोगो बनाने वाले रॉब जैनोफ ने खुद ही 2016 में इस सेब के कटे होने की वजह बताई। रॉब जैनोफ के अनुसार सेब की तरह गोल तो कई तरह के फल होते हैं, ऐसे में लोगों को कैसे पता चलेगा कि लोगो में बना हुआ फल सेब ही है? इसीलिए उन्होंने अपने सामने रखे सेब का एक बाइट लिया और फिर कटे हुए सेब को एप्पल का डिजाइन तैयार कर लिया। नंबर 12 ह्युंडई। ह्युंडई की एच को देखकर ऑलमोस्ट सभी लोग यही सोचते हैं कि ये एच ह्युंडई के फर्स्ट लेटर को दर्शाता है। ये फर्स्ट लेटर को दर्शाता है ये तो सच है, लेकिन इस लोगो का एक्चुअल मतलब ये नहीं है। इस लोगो के एक्चुअल मतलब को समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें दो लोग हैंडशेक करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक ह्युंडई कंपनी और दूसरा कस्टमर को दर्शाता है, मतलब ह्युंडई के लोगो का एच कंपनी में एक्चुअल में कंपनी और कस्टमर के बीच के हैंडशेक का सिंबल है, जो ह्युंडई और उसके कस्टमर के बीच अपने पन को दर्शाता है। तो दोस्तों, यदि आपको बेस्ट लोगो सिलेक्ट करने को कहा जाए तो आप इनमें से किस कंपनी के लोगो को सिलेक्ट करेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।